नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। दीपिका सिंह के बाद अब मोहम्मद शामी की पत्नी हासिन जहां अपनी वीडियो की वजह से ट्रॉल हुई। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि दीपिका सिंह अपने एक डांस वीडियो के जरिए ट्रॉल हुई थी, तो उसके बाद अब हासिन जहां भी अपने एक वीडियो के जरिए ट्रॉल हो रही है। दरअसल मोहम्मद शामी और उनकी पत्नी हासिन जहां की शादीशुदा जिंदगी में हुए विवाद हर किसी को याद है। शामी की पत्नी हासिन जहां सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हासिन जहां इंस्टाग्राम पर लगातार अपनी फोटो और वीडियो शेयर कर सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब शामी की पत्नी हासिन जहां एक बार फिर चर्चा में है। हासिन जहां ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक टिकटॉक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह सैफ अली खान और ममता कुंडकर्णी की 1983 में रिलीज हुई फिल्म आशिक अवारा का गाना गा रही हैं। इंस्टाग्राम पर हासिन जहां के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और लोग लगातार इस पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग हासिन जहां की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें ट्रॉल कर रहे हैं। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब हासिन जहां को ट्रॉल किया गया हो। दो हजार अठारह में मोहम्मद शामी पर उनकी पत्नी हासिन जहां के लगाए गए मारपीट, रेप, हत्या की कोशिश और घरेलू हिंसा जैसे आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था। हासिन जहां ने शामी और उनके भाई के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। मोहम्मद शामी ने 6 जून 2014 को कोलकाता की मॉडल हासिन जहां से शादी की थी। हासिन एक मॉडल थी, फिर वो कोलकाता नाइट राइडर्स की एक चीयर लीडर बनी। इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। फिर शामी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। शामी 17 जुलाई 2015 को एक बेटी के पिता बने। हासिन जहां ने 2014 में शामी से शादी करने के बाद मॉडलिंग छोड़ दी थी। शामी के मुताबिक उन्हें बहुत बाद में पता चला कि हासिन जहां की यह दूसरी शादी है। उनके पहले पति का नाम सैफुद्दीन है, वो पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। तब मीडिया हासिन जहां के पूर्व पति के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, हमारी शादी 2002 में हुई थी, इस शादी से उन्हें दो बेटियां हुई, साल 2010 में तलाक हो गया। सैफुद्दीन ने बताया कि वो हासिन जहां से 10वीं क्लास से प्यार करते थे। सैफुद्दीन ने बताया कि हासिन अपने पैर पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन हमारे घर की महिलाओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं थी। शायद यही रोक हासिन को नापसंद थी, तो जिसके बाद उसने तलाक ले लिया था। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब।